हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी चंद्रा और लेट्स ट्यूट में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताए थे जिनको अक्सर हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं जाने अनजाने में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसे जाके देखिए। और आज मैं और कुछ ऐसे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगी जिनको शायद हम में से कई लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो वीक का थर्ड डे है। जी हाँ, इसे आप हिंदी में बुधवार कहते हैं और इंग्लिश में कई लोग इसे वेडनेसडे प्रोनाउंस करते हैं, पर ये वेडनेसडे नहीं होगा, इसे हम वेंसडे। कितना अच्छा लग रहा है प्रोनाउंस करने में, वेंसडे वेंसडे प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है इसे आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जी हाँ, आप इसे डाटा कहते हैं, बट ये डाटा नहीं होता, इसे हम डेटा डेटा, जो डी के बाद का ए है उसे हम ई की तरह प्रोनाउंस करेंगे और क्या कहेंगे, डेटा डेटा। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, इसमें आप टेस्टी यम्मी सूप पीते हैं, इसको आप शायद हिंदी में कटोरा कहते हैं, बट इंग्लिश में आप इसे बाउल कहते हैं, बट ये बाउल नहीं होता, इसे हम सिंपली कहेंगे बोल बोल बोल। ओके, मुझे अब ये बताइए, जब आपके घर में नल या कोई वाटर लीकेज होता है, नल खराब हो जाए या कोई वाटर लीकेज होता है, तो आप किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को? जी हाँ, आप प्लम्बर को ही बुलाते हैं, बट इसे हम प्लम्बर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्लम्बर प्लम्बर। जो बी है वो साइलेंट हो जाता है यहाँ पे, प्लम्बर प्लम्बर। जो नेक्स्ट वर्ड का जो पर्सन है, ये एक बौद्धिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसे आप हिंदी में शायद सन्यासी कहते हैं, इंग्लिश में कई लोग इसे मॉन्क प्रोनाउंस करते हैं, मॉन्क, बट ये मॉन्क नहीं होता, इसे हम मंक 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 प्रोनाउंस करेंगे। ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करने में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग इसे क्लोथ प्रोनाउंस करते हैं, पर जब हम एक अनस्टिच फैब्रिक के बारे में बात करेंगे जो कपड़ा सिला हुआ नहीं है, तब हम उसे क्लॉथ प्रोनाउंस करेंगे, क्लॉथ क्लॉथ। वहीं हम एक स्टिच फैब्रिक के बारे में बात करेंगे जो कपड़ा सिला हुआ है, तब हम उसे क्लोथ्स 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 प्रोनाउंस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, इनका शौक लड़कियों को काफी होता है, आप इसे श्रृंगार के सामान में समझ सकते हैं, इसे आप लोग हिंदी में गहने कहते हैं, इंग्लिश में कई लोग ज्वेलरी प्रोनाउंस करते हैं, बट इसे हम ज्वेलरी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम ज्वेलरी 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 प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा बताइए, जब आप किसी भी सीट को जमीन में गाड़ते हैं, दफनाते हैं, उस दफनाने के वर्ड को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, बरी बरी, बट ये बरी नहीं होगा, इसे हम बेरी 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 प्रोनाउंस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉफी ड्रिंक है, इसे काफी लोग एक्सप्रेसो प्रोनाउंस करते हैं, बट ये एक्सप्रेसो नहीं होगा, जैसी स्पेलिंग है वैसा प्रोनाउंस करिए ना, इसे हम एस्प्रेसो, ई के बाद जो एस आता है हम उसे भी प्रोनाउंस करेंगे और एस्प्रेसो 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 प्रोनाउंस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसे आप मलवा कह सकते हैं, कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर होता है, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रहते हैं उसे आप मलवा कहते हैं, इंग्लिश में इसे कई लोग डेब्रिश या डेब्रिश प्रोनाउंस करते हैं, बट इसे हम नहीं डेब्रिश या डेब्रिश प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे सिंपली डेब्री 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 प्रोनाउंस करेंगे। इसका जो एस है एंड का वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे डेब्री प्रोनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को हिट करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।